हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एनपीसी। माय नेम इज तृप्ति एंड लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने क्विक रिवीजन चैप्टर फर्स्ट का क्विक रिवीजन किया। ठीक है, सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट हमने लर्न किए। अब उसी के बेसिस पर कुछ एमसीक्यूज हैं, वो हम डील करेंगे। ओके, सो फर्स्ट एमसीक्यू, इफ अ प्लास्टिक रोड रब्ड विथ फर इज मेड टू टच टू स्मॉल पिच बॉल सस्पेंडेड नियर बाय, देन विच फिगर शोज देयर फाइनल कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दिया है, एक प्लास्टिक रॉड दिया है, उसे फर से रब किया है। ओके, और स्मॉल पिच बॉल के कॉन्टेक्ट में लेकर आए, टू बॉल्स हैं और वो सस्पेंड की हुई है। ठीक है, वो सस्पेंड की हुई है एक थ्रेड के थ्रू। अच्छा, यहाँ पर उन बॉल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो प्लास्टिक बॉल जब हम फर्स्ट से रब करते हैं तो उसमें जो चार्जेस अवेलेबल होंगे वो सेम अमाउंट के होंगे और सेम नेचर के होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर प्लास्टिक रोड को जब हम कांटेक्ट में लाएंगे पिच बॉल के, तो पिच बॉल में भी सेम अमाउंट के चार्जेस डेवलप होंगे। ओके, जिससे क्या होगा, उन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा और रिपल्सिव फोर्स क्या करता है, एक दूसरे को दूर करता है। ठीक है, सो द ऑप्शन विल बी बी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ सेकेंड, अ कॉम रन थ्रू वन ड्रायर। सिंपली आपको बोल रहे हैं कि आपने एक कॉम लिया और कॉम को आपके ड्रायर से रब किया। ठीक है, एंड उसी कॉम को आपने स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास रखा, कॉन्टेक्ट में लाए, तब क्या होगा? ओके, सो यहाँ पर जो कॉम के जो पार्टिकल्स हैं, कॉम में जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, उसके थ्रू पेपर में चार्जेस पोलराइज्ड होंगे। ठीक है, मीन्स आपके पास इस तरह अगर पेपर है तो पेपर के जो चार्जेस हैं वो डिवाइड हो जाएंगे प्लस में माइनस में। ओके, अब इस तरह से जो ऑप्शन है आपका सी, द एटम्स इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम इज करेक्ट। ठीक है, सो आंसर विल बी सी। थर्ड वन इज वन मेटलिक स्पीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज वेयर इज अनदर आइडेंटिकल मेटलिक स्पीयर बी ऑफ एक्जैक्टली सेम मास। ठीक है, मीन्स आपके पास टू मेटलिक स्पीयर्स हैं ए एंड बी, दोनों पे चार्ज सेम है और दोनों पे मास सेम है। ओके, अब क्या किया है, नेगेटिव चार्ज, देन कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ठीक है, मासेस ऑफ ए एंड बी स्टिल रिमेन, मास सेम होंगे, मास सेम तो नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो डिफरेंट होता है। सो चार्जेस जो है वो तो सेम हो सकते हैं, सेम है ही, ठीक है, ऑपोजिट नेचर के हैं, बट मास डिफरेंट होंगे। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, मास ऑफ ए इंक्रीज एंड सेकेंड बी डिक्रीज, अगर आप ए को इंक्रीज कर दें तो बी डिक्रीज होगा नहीं। ठीक है, एंड मास ऑफ बी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन जैसे 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 अपन सेकेंड बॉडी, ये बॉडी बी है, बॉडी बी पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो द आंसर डी विल बी करेक्ट। ओके, नाउ फोर्थ, इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन में आपने पढ़ा है क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ओके, बस यही फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, ई इज द लीस्ट अमाउंट एंड एन इज द इंटीजर मल्टीपल। ओके, सो द आंसर डी विल बी करेक्ट। ओके, हाफ तो नहीं हो सकता एंड जीरो भी नहीं हो सकता है, स्क्वायर ऑफ द लीस्ट अमाउंट भी नहीं हो सकता, क्वांटाइजेशन पर डिपेंड करता है। इफ द चार्ज ऑन अ बॉडी इज वन नैनो कूलम, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर। ठीक है, एक बॉडी है आपके पास एंड उस पर टोटल चार्ज है वन नैनो कूलम। वन नैनो कूलम को आप कन्वर्ट करेंगे कूलम में, सो 1 × 10⁻⁹ हो जाएगा कूलम। ठीक है, एंड आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉडी का चार्ज टोटल चार्ज इतना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सो क्यू इज इक्वल टू एन ई, ये फॉर्मूला आपने रीड किया है, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, टोटल चार्ज अगर आप क्यू बाई ई हो जाएगा, यहाँ से क्यू की वैल्यू यहाँ पर कैपिटल चार्ज भी लिख सकते हैं, क्यू बाई ई, क्यू की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁹। ठीक है, दी हुई आपको गिवन है एंड ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹। ओके, इसे कैलकुलेट करेंगे सो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.25 × 10⁻¹। सो आंसर बी विल बी करेक्ट। ओके, नाउ सिक्स, चार्ज ऑन अ बॉडी इज Q1 एंड इट इज यूज टू चार्ज अनदर बॉडी बाय इंडक्शन चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी। ठीक है, सिंपली आपके पास टू बॉडीज हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी कंसिडर कर लेते हैं, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है। अब अगर आप इन्हें चार्जिंग बाय इंडक्शन के थ्रू कॉन्टेक्ट में लाए, चार्जिंग बाय इंडक्शन का काम क्या है, बिना फिजिकल कनेक्शन किए, बिना फिजिकल कॉन्टेक्ट किए चार्जेस का ट्रांसफर होना। ठीक है, अब इन दोनों को हमने इंडक्शन के थ्रू कॉन्टेक्ट में लाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा चार्जेस पे। ठीक है, तो सिंपली अगर हम दोनों चीज़ों को, दोनों बॉडीज को कॉन्टेक्ट में लाएं तो या तो इक्वल अमाउंट के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, या तो Q1 की जो वैल्यू होगी वो Q2 के इक्वल होगी, या फिर Q1 इज ग्रेटर देन Q2 होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका अगर रेशियो लें, सो Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू 1 एंड हियर Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज ग्रेटर देन 1, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, नाउ सेवन, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेरीज विद डिस्टेंस आर। ठीक है, ये फोर्स जो है कूलम फोर्स हमने पढ़ा है, F इज इक्वल टू के
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मीन्स एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देन देम चार्जेस. ओके सो फोर्स कब इंक्रीज होगा, जब दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होगा. ठीक है. सो यहां पर डिक्रीमेंट के लिए जो ग्राफ यूज कर रहे हैं दैट इज दिस. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि ये जो है ये स्ट्रेट लाइन को शो करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, और ये आर स्क्वायर के फॉर्म में डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, अगर 1/r होता तो हम ये ग्राफ यूज करते हैं, बट 1/r स्क्वायर है. सो आंसर सी विल बी करेक्ट. और ये जो है वो इंक्रीमेंट का फोर्स के साथ आर की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो सकती, डिक्रीज होगी. ओके, नेक्स्ट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी. इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है? सो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ये पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां से होगी 1/4πf³/r² ठीक है, q/r² तो यहां से आप यूनिट कंसिडर कर सकते हैं. q के लिए कूलम, कूलम स्क्वायर, एंड फोर्स के लिए न्यूटन, एंड r के लिए मीटर स्क्वायर. सो दिस न्यूटन मीटर स्क्वायर. सो आंसर विल बी ए. द फोर्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू चार्जेस q1 6 माइक्रोकूलम एंड q2 2 माइक्रोकूलम. ठीक है, आपके पास टू चार्जेस हैं, q1 है, q2 है, और इन दोनों के बीच का जो फोर्स है 12 न्यूटन है. दोनों की वैल्यूज हैं 6 माइक्रोकूलम एज वेल एज 2 माइक्रोकूलम रेस्पेक्टिवली. ओके, अब हमने क्या किया, एक अनदर चार्ज लिया जिसकी वैल्यू -2 माइक्रोकूलम, इन दोनों चार्जेस में ऐड किया है. ओके, अब यहाँ ऐड करेंगे. सो यहाँ पर जो एडिशन होगा वो स्केलर फॉर्म में होता है, ये तो हमने पढ़ा एडिशन चार्जेस का एक स्केलर फॉर्म में होता है. तो यहाँ 4 माइक्रोकूलम हो जाएगा और 2-2 तो 0 हो जाएगा. कोई भी एक चार्ज अगर 0 है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. सो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी. नाउ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस क्यू एंड क्यू. देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि आपके पास टू चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू, और उसके जो लाइन जॉइनिंग एक्सिस है, इस लाइन जॉइनिंग एक्सिस के एग्जैक्ट बीच में क्या है? एक चार्ज, अनदर क्या चार्ज क्यू है. ठीक है, इसकी जो लेंथ है हम एल कंसिडर कर लेते हैं. तो इस पर नेट इक्विलिब्रियम, अगर ये चार्जेस इक्विलिब्रियम में है तो आपको क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल क्यू फाइंड करना है. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर डिपेंड है. अगर आप कोई भी एक चार्ज को लेकर चले, ठीक है, हमने सपोज किया ये वाला चार्ज ले लिया आपने, ठीक है, ये चार्ज ले लिया, अब इस पर फोर्स क्यू के थ्रू भी होगा एक्सर्ट एंड कैपिटल क्यू के थ्रू भी एक्सर्ट होगा, तो टोटल फोर्स जो नेट फोर्स होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो जीरो हो जाएगा. ठीक है, सो एफ इज इक्वल्स टू, यहां से एफ वन कंसिडर करें तो इन दोनों चार्जेस के लिए क्या हो जाएगा? के क्यू क्यू बाई, यहाँ एल है, सो एल बाई टू एग्जैक्ट बीच में है, मीन्स ये जो लेंथ है वो एल बाई टू हो जाएगा स्क्वायर, एंड एफ टू क्या होगा? के क्यू सॉरी कैपिटल क्यू का स्क्वायर हो जाएगा एंड एल स्क्वायर होगा. दोनों का जो नेट फोर्स है वो जीरो है. ठीक है, मीन्स एफ नेट जीरो, सो एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू जीरो. दोनों को इक्वेट करेंगे, सो जो भी कैंसिल आउट हो रहा है क्यू बाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर एंड इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर. एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, के से के, क्यू से क्यू, सो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई फोर. सो आंसर विल बी बी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. टू पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टली आई प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट. फर्स्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ. ओके, मीन्स आपके पास टू चार्जेस हैं, एक की वैल्यू है पॉजिटिव q एंड अदर इज नेगेटिव q. दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स क्रिएट कर रहे हैं दैट इज कैपिटल F. इफ 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड टू B. ओके, मीन्स A पे जो चार्जेस थे टोटल चार्ज का 25% ट्रांसफर हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर q हम A कंसिडर कर लेते हैं, q A. ओके, ये जो टोटल इनिशियली चार्ज q है, अब जो नया चार्ज ट्रांसफर होने के बाद में जो न्यू चार्ज की वैल्यू हम q A कंसिडर कर लेते हैं, तो ये क्या होगा? 25% चार्जेस ट्रांसफर हो गए, तो आपके पास बचा कितना? 75% चार्ज. ठीक है, इसका 75% इंटू क्यू, परसेंटेज को रिमूव करेंगे सो 100 हो जाएगा यहाँ पर इंटू क्यू, सो आपको हो जाएगा ये 3/4 क्यू, ये न्यू चार्ज है. ओके, और क्यू बी इसी तरह से क्यू बी क्या होगा? यहाँ पर 25% लेस हो रहा है तो यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर क्या होगा? ऐड होगा, तो माइनस क्यू तो है ही प्लस एडिशन होगा 25% का. 25% मतलब 25/100 इंटू क्यू, सो माइनस 1 प्लस 1/4. ठीक है, सो माइनस 3/4 क्यू, ये क्यू बी है, सेकंड चार्ज की वैल्यू है. ठीक है, ये फर्स्ट चार्ज, ये सेकंड चार्ज. नाउ फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होगा? के क्यू ए क्यू बी बाई आर स्क्वायर. ओके, सो यहाँ के क्यू क्यू ए क्या होगा? 3/4 एंड क्यू बी माइनस 3/4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ये आपका जो फोर्स था फर्स्ट इनिशियली फोर्स, ये एफ डैश कंसिडर कर लेते हैं. ओके,
थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन डिवाइडेड बाई 16, ओके, एंड दिस इज जो इनिशियली फोर्स था उसका माइनस 99 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई में होगा आपका जो नया फोर्स है वो, ठीक है। माइनस को कंसिडर अगर नहीं करें क्योंकि माइनस डिपेंड करता है डायरेक्शन पर, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओके। नाउ नेक्स्ट 12, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास एम एंड इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, ओके। आपके पास टू चार्जेस हैं जिनकी वैल्यू क्यू है, सेम चार्ज है एंड जिनकी मास है एम, ठीक है, सेम मास है, ये दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं, ओके। दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। अगर कोई भी बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रही है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम है, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी पर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के क्यू इंटू क्यू, सो क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी एम एम, ठीक है, सेम मास है, सो एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, सो आर से आर कैंसिल, हियर क्यू बाई एम इज इक्वल टू क्या होगा, जी बाई के, ठीक है, क्यू बाई एम की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्यू स्क्वायर एम स्क्वायर, सो क्यू बाई एम इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई के, और के की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो योर आंसर विल बी डी। टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर इन एयर एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर, ठीक है, टू पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास, टू पॉइंट चार्जेस हैं और जिनके बीच का डिस्टेंस आर है, इनके बीच फोर्स एक्सर्ट होता है एफ, ये क्या है, अभी इनिशियली एयर में है, अब किसी मीडियम में अगर इसे पुट कर दें तो डिस्टेंस आर से आर डैश हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली जो फोर्स होगा दैट इज के क्यू, के प्लेस पे आप क्या कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दो, क्यों, क्योंकि परमिटिविटी मीडियम को शो करती है, ओके, सो क्यू क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये इनिशियली फोर्स एंड मीडियम के लिए, सॉरी ये एयर के लिए फोर्स होगा और मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर डैश स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गई, ओके, फोर्स चेंज हो गया, डिस्टेंस चेंज हो गई, दोनों फोर्सेस सेम है, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एफ डैश है, यहाँ पर गिवन है आपको सेम फोर्स, सो एफ इज इक्वल टू एफ डैश, दोनों को इक्वेट करेंगे, सो आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर डैश स्क्वायर, क्यू से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल एंड एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर डैश स्क्वायर, ओके, एप्सिलॉन एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, ये क्या है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, के जो है वो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है और इज इक्वल टू क्या है आपका, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर डैश स्क्वायर, ओके। यहां से अगर आप इक्वेट करेंगे आर डैश को इक्वेट करेंगे, डिस्टेंस ही आपको फाइंड करनी है, डिस्टेंस इक्वेट करेंगे, सो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, सो आर डैश इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई रूट के, सो योर आंसर विल बी डी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक बॉडी दिया हुआ है जिस पर चार्ज -2 माइक्रोकुलम है एंड सेकंड बॉडी दिया हुआ है इस पर चार्ज 6 माइक्रोकुलम है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, तो सिंपली है, यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्सर्ट करेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होगा, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक बॉडी पर अदर बॉडी फोर्स क्रिएट करती है तो वो बॉडी भी सेम बॉडी पर अनदर बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है, बट इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, इट इज शो द न्यूटन्स थर्ड लॉ। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 कूलम -1 माइक्रोकुलम एंड 2 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड इन एयर एट कॉर्नर ए बी सी, ठीक है, सिंपली ये वाला जो क्वेश्चन है इस तरह से है, आपके पास एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल है जिसपे 1 माइक्रोकुलम -1 माइक्रोकुलम एंड 2 माइक्रोकुलम इस तरह के 3 चार्जेस प्लेस्ड हैं ए बी एंड सी कॉर्नर पर, आपको पॉइंट सी पर नेट फोर्स फाइंड करना है, ठीक है, तो पॉइंट सी पर ए के थ्रू भी फोर्स क्रिएट होगा एंड बी के थ्रू भी फोर्स क्रिएट होगा, ये दोनों सेम नेचर के हैं तो ये रिपेल करेंगे तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी और ये दोनों डिफरेंट नेचर के हैं सो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा इन दोनों के बीच में, जो एंगल होगा दैट इज 120 डिग्री, दोनों के बीच में क्या होगा एंगल 120 डिग्री, ओके 120 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री इक्विटोरियल ट्रायंगल का एवरी ट्रायंगल 60 डिग्री, सो टोटल 180, सो यहाँ पर 120 डिग्री। नाउ अब इस 1 माइक्रोकुलम माइनस को कंसिडर नहीं, अब जब भी आप न्यूमेरिकल करें नेगेटिव पॉजिटिव को कंसिडर नहीं करें, हमेशा सभी वैल्यूज को पॉजिटिव लेना, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन आप इस तरह से दे सकते हैं कि रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है, ओके, सो ये जो वैल्यूज है माइक्रोकुलम 1 माइक्रोकुलम और 2 माइक्रोकुलम ये सेम, ठीक है, तो हम इसे क्यू कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज क्यू, दिस इज क्यू एंड दिस इज 2 क्यू, क्योंकि 2 टाइम्स है, ओके। नाउ फोर्स, आप इन दोनों के लिए जो फोर्स फाइंड करेंगे वो क्या होगा, सो फर्स्ट ए फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए के क्यू क्यू इंटू टू क्यू,
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर है, सिंपली अभी हम आर स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड के लिए के क्यू इंटू टू क्यू सेम होगा, ठीक है, वैल्यूज सेम है, चार्जेस किस लिए सेम, तो हम सेम वैल्यूज हैं इसीलिए हम इसे F कंसिडर कर लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इज प्लस, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F1 F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ठीक है। F तो F2 भी सेम F ही है एंड 2 F1 F2 ये वैल्यूज भी सेम है, cos यहां पर क्या हो जाएगा 120 cos 120, ठीक है, ये दोनों सेम है, सो हम 2F स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पर 2F स्क्वायर ये तो सेम होगा, cos 120 की वैल्यू होती है माइनस 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, ओके माइनस F स्क्वायर है, सो फाइनली रूट 2F होगा, रूट 2F वैल्यूज होगा, ठीक है। F की वैल्यू यहां से आप पुट कर दें, K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 पावर 9 F की वैल्यू होगी, सॉरी Q की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, सो 10 पावर माइनस 12 हो गया इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाई लेंथ 10 सेंटीमीटर, सो 10 इंटू 10 पावर माइनस 2, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा, सो 10 पावर माइनस 2 एंड इसका स्क्वायर, ओके इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फाइनल इक्वेशन होगा 1.8 न्यूटन, ओके 1.8 न्यूटन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इच कॉर्नर ए एंड सी हैज चार्ज क्यू वन एंड ऑन द अदर कॉर्नर बी एंड डी माइनस क्यू, ठीक है, मीन्स एक आपको स्क्वायर गिवन है ए बी सी एंड डी, ए एंड सी पर चार्ज प्लस क्यू वन, ठीक है, सॉरी प्लस क्यू वन एंड सेकेंड बी एंड डी पर माइनस क्यू टू, ओके माइनस क्यू टू, तो आपको बताना है रेशियो ऑफ क्यू वन डिवाइडेड बाय क्यू टू, इनकी वैल्यूज को आपको बताना है, रेशियो बताना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहां पर किसी भी एक पॉइंट पर फोर्स कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, नेट फोर्स फाइंड कर लेंगे, ओके, और नेट फोर्स जो होगा किसी भी पॉइंट पर वो जीरो होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ओके इक्विलिब्रियम कंडीशन में जीरो होगा फोर्स, सो नेट फोर्स को जीरो करेंगे सो आपके पास रेशियो आ जाएगा। अब हम पॉइंट ए कंसीडर करते हैं, ठीक है, ए पर फोर्स बी के थ्रू सी के थ्रू एंड डी के थ्रू, अब दोनों चार्जेस ऑपोजिट हैं तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, यहां पर भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा सो इस डायरेक्शन ये होगी फोर्स की, और यहां दोनों सेम चार्जेस हैं तो ये रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक है। लेंथ गिवन है आपको स्क्वायर की एल एल एल, ये लेंथ क्या हो जाएगी रूट टू एल, पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू एफ ए बी, ठीक है, बी के थ्रू फोर्स क्या होगा, डायरेक्ट में लिखती हूँ के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी के थ्रू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं ए एंड डी का लेते हैं, ठीक है, ए एंड डी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, सो इन दोनों के बीच जो एफ नेट होगा वो हो जाएगा अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर एंड कोस 90 की वैल्यू तो जीरो होगी, सो ये दोनों फोर्सेस आ जाएंगे और दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे क्योंकि चार्ज क्यू वन यहां क्यू टू यहां क्यू वन यहां क्यू टू यहां, ठीक है, सो रूट टू एफ हो जाएगा इन दोनों से जो नेट फोर्स मिला, और इससे रिपल्सिव फोर्स मिलेगा आपको, इससे क्या मिलेगा रिपल्सिव फोर्स, ओके ये तो आपका सेम फोर्स हो गया तो ये इसकी जो वैल्यू है वो रूट टू इंटू के क्यू वन क्यू टू बाई एल स्क्वायर, अब यहां इसकी जो वैल्यू होगी वो के क्यू वन इंटू क्यू वन, ठीक है, सेम चार्जेस हैं क्यू वन इंटू क्यू वन डिवाइडेड बाई रूट टू एल स्क्वायर हो जाएगा, ओके नेट फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में जीरो रखेंगे सो नेट फोर्स जीरो, यहां पर इक्वेट करेंगे आप तो फाइनली आपके पास इक्वेशन हो जाएगा टू रूट टू, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास टू चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस के बीच फोर्स क्रिएट हो रहा है 5 न्यूटन है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 0.06 मीटर है एंड अब नेक्स्ट लाइन में बोलता है कि इच चार्ज इज मूव टूवर्ड्स इच अदर, दोनों चार्ज एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो जो न्यू डिस्टेंस है 0.04 मीटर हो जाता है, ओके सो न्यू फोर्स आपका क्या होगा, तो फोर्स और लेंथ या फोर्स और डिस्टेंस का जो रिलेशन होता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ओके तो इनका रेशियो क्या होगा, एफ वन डिवाइडेड बाई एफ टू इज इक्वल टू आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर वन स्क्वायर, ठीक है, आर टू और आर टू ये है, ठीक है, सेकेंड लेंथ लेंथ एंड आर वन इज दिस, दोनों के वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11.25 न्यूटन, ओके नाउ नेक्स्ट व्हेन द चार्ज ऑफ बॉडी बिकम्स हाफ, ठीक है, किसी भी बॉडी का चार्ज जो है अगर हाफ कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, ठीक है, अगर क्यू को हाफ करेंगे सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा सो आंसर विल बी ए, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 21st क्वेश्चन में इस तरह से आपको एक डायग्राम है और इस डायग्राम के थ्रू आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर डेंस आपको मिलेगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, सो पॉइंट पी पर स्ट्रॉन्ग होगी एंड एज कंपेयर टू क्यू क्यू पर रेयर होगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस रीजन, ओके सो योर आंसर विल बी
सी फील्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग एट पॉइंट पी एंड लेस स्ट्रॉन्ग एट पॉइंट क्यू. ओके नेक्स्ट पॉइंट, टू अनलाइक चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस. आपके पास टू अनलाइक चार्जेस है, मीन्स फर्स्ट अगर क्यू है प्लस क्यू है देन सेकेंड माइनस क्यू होगा. ओके दोनों एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर है. द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. ठीक है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम सपोज कर लेते हैं पॉइंट पी है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. ओके तो हमने डायपोल के केस में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर या इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के बीच में जीरो नहीं होती है. ठीक है, तो जीरो ऑप्शन तो हट गया, रिमूव हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, तो इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं पॉइंट, जैसे आपने ये पढ़ा है कि अगर यहाँ पर कोई चार्ज है और ये चार्ज अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड रिलीज करेगा. ठीक है, इसके अराउंड एक एरिया बन जाएगा, एक रीजन बन जाएगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है. तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी पॉइंट, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू दिस चार्ज. सो आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस है वो. एंड पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा देन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा. ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड नेगेटिव होगा देन टुवर्ड्स द चार्ज. इस तरह से हम डायरेक्शन डिफाइन करते हैं. अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देखेंगे पॉजिटिव के कारण ये अवे फ्रॉम द चार्ज एंड नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स द चार्ज, तो सेम डायरेक्शन है. ठीक है, ई प्लस का एंड ई माइनस का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो ऐड करना है. ठीक है, सो ई नेट आपको मिलेगा ई प्लस प्लस ई माइनस. ठीक है, डायरेक्टली क्या करना है आपको ऐड करना है. तो ऐड करेंगे के क्यू बाय, यहाँ पर डिस्टेंस अगर डी है सो ये डी बाई टू हो जाएगा. सो डी बाई टू का होल स्क्वायर एंड प्लस के क्यू डी बाई टू का होल स्क्वायर. ठीक है, के क्यू टू, के क्यू डी बाई टू मीन्स डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, तो फोर यहाँ हो जाएगा. सो एट के क्यू डी स्क्वायर. ओके सो योर ऑप्शन विल बी बी. टू पॉइंट चार्जेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. आपके पास अगर टू पॉइंट चार्जेस हैं प्लस एट क्यू एंड सेकेंड इज माइनस टू क्यू, तो हमेशा याद रखना कि अगर टू इक्वल एंड टू ऑपोजिट चार्ज हैं तो चार्जेस आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब मिलेगा, आउटसाइड. ठीक है, ऑपोजिट है इसका मतलब आउटसाइड मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. एंड आउटसाइड किसके पास, जो स्मॉल चार्ज रहेगा. ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डिस्टेंस जितने कम होगी फोर्स उतना ज्यादा होगा, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कम है इसका ज्यादा है, तो वो इक्वेट हो जाएगा. ओके सो इसके अराउंड कहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है एल. ठीक है, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है एल. हम इस पॉइंट की पॉइंट पी कंसिडर कर लेते हैं, इस पॉइंट की लेंथ को हम स्मॉल एल कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, अब इस पॉइंट के कारण इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हम फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, पॉइंट पी पर एट क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, सो ई इज इक्वल्स टू, या ई वन इज इक्वल्स टू के एट क्यू बाई आर स्क्वायर, सो एल प्लस एल का होल स्क्वायर. एंड ई टू इज इक्वल्स टू माइनस टू के, सॉरी के इंटू टू क्यू बाई एल स्क्वायर, ई वन प्लस ई टू इज इक्वल्स टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. सो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे आप, के एट क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस एल का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू क्यू एल स्क्वायर. ठीक है, इनको आप कैलकुलेट करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा L इज इक्वल्स टू L. ठीक है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस CA है उतना ही डिस्टेंस पर आपको पॉइंट अदर लेना है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी ड्यू टू दिस चार्ज एज वेल एज दिस चार्ज. ओके सो L प्लस L टोटल लेंथ कितनी होगी, टू है. सो योर आंसर विल बी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस फिगर में जीरो होगी एट द सेंटर, सेंटर पर. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो कब मिलेगी, जब आपके पास फिगर सिमेट्री हो. ठीक है, सिमेट्री हो इन द सेंस, यहाँ पर देखो हेक्सागोनल में टोटल चार्ज 1 2 3 4 5 6 चार्ज हैं, और वो एक दूसरे से फोर्स ऑपोजिट एंड इक्वल लगाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, तो सिमेट्री के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर हमेशा जीरो होगा, चाहे वो हेक्सागोनल हो, स्क्वायर हो, ओके सर्कल हो. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल ट्रेवल. ठीक है, मीन्स एक चार्ज पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा था, तो उसके मोशन के लिए क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा. ओके ऑलवेज अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग चलेगा. ठीक है, अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स इफ इट हैज सेम इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्टिव एंगल विद द लाइन ऑफ फोर्स, एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव.
तो सिंपली इसका जो कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर जो फोर्स क्रिएट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एफ इज इक्वल्स टू ई इंटू ई। इनिशियली क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए किसी वेलोसिटी की, किसी एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स क्रिएट होगा उस फोर्स से ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी इसमें, इस कंडीशन में जीरो होगी। सो द आंसर विल बी बी। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? ठीक है, सो फर्स्ट वन इज फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? कंटिन्यूअस कर्व होती है, ठीक है, उसमें ब्रेक तो होता नहीं है। एंड सेकंड वन इज टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस इच अदर। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में ये भी पढ़ा था कि टू फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर, ठीक है, इस तरह से अगर टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करें तो इंटरसेक्ट पॉइंट पर टू टेंजेंट दो होंगे, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे, एंड विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे टू डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है? ओके, सो बी इज द राइट। ओके, नाउ सी, फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव। यस, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है, ये भी राइट है। एंड लास्ट वन इज दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। ओके, ये भी ऐसा ही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। ओके, सो चारों प्रॉपर्टीज राइट है, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो इसमें है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस फिगर में बताना है, ठीक है, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेस होगी, कहां पर स्ट्रांग होगी। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए एंड सी, पॉइंट ए एंड सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस है, ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर ज्यादा है, तो यहां पर स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए एंड सी पर बी के कंपेरिजन में तो ज्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बी के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए लाइंस जो है वो काफी स्पेस्ड है, ठीक है, उन लाइंस के बीच में जो स्पेस है, डिस्टेंस है, वो काफी ज्यादा है। तो जैसे जैसे अब आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, लाइंस के बीच में, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लेस होता जाएगा। ठीक है, जहां पर क्लोज है, जहां पर क्लोजली डेंस है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, सो ई ए एंड ई सी, यहां इन दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी पॉइंट। ओके, एंड देखिए यहां पर थ्री लाइन्स है, यहां पर भी थ्री लाइन्स है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एट पॉइंट ए एंड सी इज इक्वल। ओके, सो ई ए इज इक्वल टू ई सी एंड ऑल्सो दे आर ग्रेटर देन ई बी, सो योर ऑप्शन विल बी सी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए डायग्राम में, ये वाला जो सी डायग्राम, ठीक है, चार्ज के इनसाइड आ रहे हैं, तो सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन बाय पैरेलल प्लेट एंड वैल्यू ई। ओके, विद अ वेलोसिटी, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पैरेलल है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है दैट इज ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन है, वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो हमने बताया था जीरो होती है, बट आगे चल के उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, सो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, एंड ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी। ओके, नाउ देन एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड, एक्सेलरेशन क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन का, एक्सेलरेशन क्या होगा? तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन इज एफ इज इक्वल टू ई इंटू ई। ओके, एंड फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में फोर्स एम इंटू ए, दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, सो ई ई इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ई इंटू ई एंड डिवाइडेड बाई एम, और ये इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन, सो योर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन फिगर शोज स्ट्रेस ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो। ठीक है, मतलब इसका मास रेशो, मास रेशो हाईएस्ट कहां पर होगा, किस कंडीशन में होगा, किस पॉइंट पर होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो मास रेशो प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज्यादा मास रेशो होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है ये मूव किया है टुवर्ड्स द पॉजिटिव, मीन्स इसका जो नेचर है वो नेगेटिव है, एंड अगेन सेकंड का भी नेचर नेगेटिव है। यहां पर देखिए थर्ड पार्टिकल नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मीन्स इसका पॉजिटिव नेचर है। अब यहां पर डिफ्लेक्शन ज्यादा थर्ड पार्टिकल पे हुआ है, इसीलिए मास एंड चार्ज टू मास रेशियो भी थर्ड पार्टिकल का ज्यादा होगा, मीन्स सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्जेस 20 नैनो कूलम आर सेपरेटेड बाय 5 मिलीमीटर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है पी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वन चार्ज एंड डिस्टेंस। ठीक है, सो चार्ज की वैल्यू क्या है, 20 नैनो कूलम, सो 10 की पावर -9 कूलम में कन्वर्ट किया,
एंड डिस्टेंस क्या है 5 मिलीमीटर, सो 5 × मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, सो 10^-3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके अब यहां पर देखिए 5 × 2 = 10 मीन्स 100 × 10^-12, सो योर आंसर विल बी 10^-10. ओके 10 और यूनिट क्या होगी, कूलम मीटर. ओके सो बी आंसर. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज Q-Q आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स. देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसमें गिवन है आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है एंड थर्ड साइड पे -2Q चार्ज है. ओके साइड एल है, लेंथ क्या है एल है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको पता है. ठीक है सो -2Q को हम -Q and -Q इस इन पार्ट्स में डिवाइड कर दें. ठीक है तो ये जो -Q है ये +Q के साथ एक ये डायपोल बन गया और एक ये वाला डायपोल बन गया. ठीक है मीन्स 2 डायपोल्स बन रहे हैं. तो इस तरह से मैं लिख सकती हूँ, एक तो ये डायपोल पी मान लो क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड तो सेम होगा तो यहां पर पी मान लो और इनके बीच का जो एंगल होगा, ओके इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या है, कितना है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल एंगल की हर एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है, दोनों के बीच 60 डिग्री. सो आप नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, P=√P² + P² + 2P1P2, सो P एंड P सेम ही है वैल्यू एंड cos 60 डिग्री. cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2. ठीक है P² मीन्स 2P² एंड ये 2 1/2P², ठीक है 2 से 2 कैंसिल, सो योर आंसर विल बी √3P और P की वैल्यू क्या है, चार्ज इंटू लेंथ, सो √3 चार्ज है Q और लेंथ है L, सो Q√3QL एंड आंसर C विल बी करेक्ट. ओके नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ऑन द इक्विलेटरल लाइन. ठीक है मीन्स हमने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, उसको फाइंड करते हैं कब, जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के इक्विटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट पी होता है. ठीक है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होती है, मीन्स डायपोल के डायरेक्शन के अगेंस्ट होता है. ठीक है मीन्स एंटी पैरल, तो एंटी पैरल के लिए एंगल कितना होगा 180 डिग्री. ओके सो सी विल बी करेक्ट. एंड क्वेश्चन नंबर 34 में ये है कि आपने एक्सियल फोर्म एंड इक्विटोरियल प्लेन, ठीक है इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की है. ठीक है एक्सियल में क्या था 2Px कुछ ऐसा था एंड अपॉन L³ एंड इक्विटोरियल में क्या था Px/L³. तो यहां से ये होता है कि इक्विटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस होती है इक्विटोरियल के लिए. ठीक है सो 2 इक्विटोरियल, यहां पर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट, आपको पी गिवन है 4 × 10^-10 कूलम मीटर एंड एंगल गिवन है θ 30 डिग्री. ठीक है तो साइन थीटा निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला है. ठीक है साइन थीटा मीन्स साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ई की वैल्यू है आपके पास 5 × 10^4 न्यूटन पर कूलम. ठीक है ये 3 आपको वैल्यूज गिवन है, आपको डायरेक्टली टॉर्क का फॉर्मूला पता है τ = P×E एंड ये होता है PE sin θ. ठीक है सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर होगा 10^-4. ठीक है कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा. नाउ नेक्स्ट, द डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ये टॉर्क का फॉर्मूला P×E एंड इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डायपोल एक्सिस मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल फॉर स्टेबल, स्टेबल के लिए हमने बोला था स्टेबल के लिए थीटा 0 डिग्री होता है एंड अनस्टेबल के लिए थीटा क्या होता है 180 डिग्री. ठीक है सो 0 विल बी योर आंसर. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई और इसका फॉर्मूला क्या होता है E×dS. ठीक है ये होता है E×dS, अब बस आपको मल्टीप्लाई करना है E×dS. अब यहां पर 4i वाले जो टर्म है वही मल्टीप्लाई होगा, सो 5×4i, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं E×dS, तो 4i + 4j + 4k × 5i वाला जो टर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 20i. ओके 20 इज योर आंसर. व्हाट इज द नेचर ऑफ गाउसियन सरफेस इन्वॉल्व गाउस लॉ, गाउसियन सरफेस का क्या नेचर होगा. ठीक है तो गाउसियन सरफेस जो होता है φ = टोटल चार्ज इनसाइड √ε₀, यही होता है. ठीक है और इसका एक और फॉर्मूला है E·dS, ये वाला जो फॉर्मूला है क्लोज्ड सरफेस के लिए. ठीक है ये फिक्स है और ये वेरिएबल के लिए हम यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला. ठीक है तो यहां पर E·dS इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इट इज डिपेंड ऑन द फोर्स. ठीक है सो वेक्टर क्वांटिटी. डी इज योर आंसर, द गाउसियन सरफेस फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज. गाउसियन सरफेस की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्री होना चाहिए, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर. ठीक है सिमेट्रिकल क्लोज सर्फेस कंटेनिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ सिंगल फिक्स्ड वैल्यू. ओके नाउ नेक्स्ट,
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मीन्स चार्ज की वैल्यू क्या लेना है आपको, वन यूनिट। ओके आपके पास फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स का फाइव इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू वन पुट करेंगे सो वन बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड एप्सिलॉन वन बाय एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस वन, सो बी विल बी करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूब, ठीक है, मीन्स क्यूब इस तरह से क्यूब है, क्यूब के फेसेस कितने होते हैं, सिक्स फेसेस, ठीक है। ये द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ इट्स इट्स फेस, ठीक है, तो सिक्स फेसेस होते हैं, टोटल जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स इस क्यूब का है फाइव बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सो वन वन फेस के लिए टोटल फेस कितने होते हैं, सिक्स टोटल फेसेस। देखो एक आगे ये वाला हो गया, एक पीछे वाला, ठीक है, टू, फिर एक साइड में थ्री फोर, एंड ऊपर नीचे, तो ऐसे टोटल सिक्स फेसेस होते हैं। टोटल फ्लक्स इतना है तो सिंगल फेस के लिए, सिंगल फेस के लिए वन बाय सिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो सिंगल फेस के लिए फ्लक्स हो जाएगा सिक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके सो आंसर ए विल बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गाउसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है गाउसियन सरफेस के लिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो फॉर्मूला क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज रिलेटेड टू द नेचर, ठीक है, और इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, कोई भी मीडियम भी ले सकते हैं, फ्री स्पेस भी ले सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड क्यू क्या है, चार्ज, नेट चार्ज, ठीक है, जो भी आप ले रहे हैं गाउसियन सरफेस उसमें इनसाइड नेट चार्ज की वैल्यू क्यू है, ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिपेंड अपॉन द नेट चार्ज इनक्लोज एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं हो सकते, देखो नेट चार्ज इनक्लोज ये तो है, ठीक है, ये फिक्स है, एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड द साइज ऑफ गाउसियन सरफेस, एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो गाउसियन सरफेस है या कोई भी आप सरफेस किसी भी शेप का ले लो, ठीक है, गाउस लॉ में शेप साइज डिपेंड नहीं होती है, ठीक है, गाउस लॉ में सिर्फ कंसिडर होता है चार्ज और जो जो बॉडी के इनसाइड है, ठीक है, एंड मीडियम, ठीक है, नेट चार्ज इनक्लोज ओनली ये तो हो नहीं सकता ओनली, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कहाँ गया, एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ओनली, तो परमिटिविटी मीडियम लेंगे तो फिर चार्ज, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, किसी भी सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इस फर्स्ट वाले डायग्राम के लिए, सेकंड वाले डायग्राम, सभी डायग्राम के लिए जो इनसाइड चार्ज है वो तो सेम है, प्लस क्यू ही है, साइज शेप डिफरेंट है, तो गाउसियन सरफेस में हमने पढ़ा है कि साइज शेप पर डिपेंड नहीं करता, ओनली जो इनक्लोज्ड चार्ज है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, और इनक्लोज्ड चार्ज सभी में सेम है, सो योर आंसर विल बी इज द सेम फॉर ऑल द फिगर। ओके एट डायपोल्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एट डायपोल्स हैं आपके पास, मैग्नीट्यूड ई है, ठीक है, डायपोल ऑफ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ई इच आर प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब, इस एक क्यूब के इनसाइड, एक क्यूब के इनसाइड एक डायपोल रखा है आपने, ठीक है, और उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। ओके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्यूब क्या होगा, तो हमने ये पढ़ा है कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे नेट चार्ज, उस पे नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों को ऐड करेंगे सो नेट चार्ज जीरो। देन आप एक पोल रखें या दस पोल रखें, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल एक रखें या दस रखें, सभी का आंसर क्या होगा, जीरो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड करती है चार्ज पर, ठीक है, तो चार्ज जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स जीरो, तो आपका आंसर हुआ डी। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन बाय द रबिंग टू बॉडीज टुगेदर इज ड्यू टू द ट्रांसफरेंस ऑफ फ्रॉम वन बॉडी, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या होता है, टू बॉडीज को जब हम रब करें तो कौन से चार्जेस ट्रांसफर होंगे, ठीक है, तो जनरली टू बॉडीज को रब करने पर जो चार्जेस ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से अदर बॉडी में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू वन कूलम, ठीक है, टू पॉइंट चार्जेस हैं क्यू वन एंड क्यू टू, क्यू वन एंड क्यू टू, और दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, वन कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी है वन मीटर, ठीक है, आपको बताना है फोर्स, दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, तो फोर्स एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, ठीक है, दोनों की वैल्यू वन वन है, सो एफ इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू क्या होती है, नाइन इंटू टेन पावर नाइन न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, सो टेन पावर नाइन न्यूटन, बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्पीयर्स हैव देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी इन द रेशियो ऑफ टू रेस टू थ्री, ठीक है, टू स्पीयर्स हैं और जिनके सरफेस चार्ज डेंसिटी
को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा वन एंड सिग्मा टू कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, टू बाई थ्री गिवन है एंड देयर रेडियस थ्री इज टू टू, ठीक है, मीन्स आर वन डिवाइडेड बाई आर टू, थ्री टू टू मीन्स थ्री बाय टू, ओके। नाउ आपको रेशो बताना है उनके चार्जेस का, ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है, चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई एरिया, तो स्पीयर का एरिया क्या हो जाएगा, फोर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से सिग्मा वन डिवाइडेड बाई सिग्मा टू इज इक्वल टू आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर वन का स्क्वायर, तो सिग्मा वन की वैल्यू ये है टू बाई थ्री एंड आर टू की वैल्यू क्या है, टू बाई थ्री का होल स्क्वायर, ओके, यहाँ क्यू वन क्यू टू भी होगा, ठीक है, देखो ऐसे टू टू बाई थ्री इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू एंड हियर टू बाई थ्री का स्क्वायर, तो यहाँ टू बाई थ्री इंटू थ्री बाई टू हो जाएगा, ये थ्री बाई टू इंटू थ्री बाई टू इज इक्वल टू क्यू वन डिवाइडेड बाई क्यू टू, थ्री से थ्री कैंसिल, टू से टू कैंसिल, सो चार्जेस का रेशियो आपका है थ्री रेस टू टू, मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ओके। 57 क्वेश्चन में देखिए आपके पास टू पॉइंट्स हैं ए एंड बी, अब यहाँ पर ये ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स आउटवर्ड है और बी पर इनवर्ड है, ठीक है, मीन्स ए पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ए पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और बी पर नेगेटिव, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ओके, सो ए इज पॉजिटिव बी इज नेगेटिव। अब बात आती है स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ में यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू बी, सो ए का स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा बी से, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन विच एन इलेक्ट्रिक डायपोल पी इज प्लेस्ड एज शोन, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अभी क्या है, इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल नहीं है, मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रखा है, एक डायपोल रखा है, ठीक है, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ धीरे धीरे डिक्रीज होगी, ठीक है, डिस्टेंस के साथ यहाँ पर डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ लाइन्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है डिस्टेंस जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और इस पॉइंट पर क्या होगी, डिक्रीज होगी, माइनस पॉइंट क्यू पर डिक्रीज होगी एंड इस पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज पर क्या होगी, ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो फोर्स भी क्या होगा, यहाँ पर इस रीजन में ज्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा, जिसके कारण फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, मीन्स फोर्स की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, ओके, इस तरह से डायरेक्शन हो जाएगी, सो द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, टूवर्ड्स द लेफ्ट हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, देन फोर्स भी ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, ओके, तो ये आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक है, आज एमसीक्यूज की क्लास कंप्लीट हो गई है, अब हम नेक्स्ट में असर्शन रीजन की क्लास लेकर आएंगे एंड आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स सारे एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे और आपकी एग्जाम में भी काफी हेल्प करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, सो क्विक रिवीजन जो फर्स्ट लेक्चर है, क्विक रिवीजन अभी का, वो आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है, अच्छे से लर्न करना है और उसके बाद में एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले आप क्विक रिवीजन करें एंड देन फिर एमसीक्यू सॉल्व करें, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।